दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिली धमकी। और आप इतने बड़े बदमाश बन रहे हो ना स्टेज पे चढ़ के। 15 दिनों में माफी मांग लो नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्या आप 10-15 दिन में कोई वीडियो अपनी जारी करो और माफी मांग लो। दरअसल बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को धमकी मिली है। ये धमकी पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने दुबई से दी है। उसने मिथुन चक्रवर्ती से 15 दिनों में माफी मांगने को कहा है। क्या आप 10-15 दिन में कोई वीडियो अपनी जारी करो और माफी मांग लो। यही बेहतर है, मांग लो माफी आप, क्योंकि आपका माफी मांगना बनता भी है। आपने दिल दुखाया, जितना के आपको दूसरे मजहब वाले प्यार करते हैं उतने मुसलमानों ने भी आपको इज्जत दी है। दरअसल 27 अक्टूबर का मिथुन चक्रवर्ती का बयान काफी ज्यादा वायरल है। इस बयान के खिलाफ उनके खिलाफ 2-2 FIR भी दर्ज की गई थी। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, कि तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। शहजाद भट्टी ने मिथुन चक्रवर्ती के इसी बयान को लेकर धमकी दी है। दरअसल काफी दिनों से सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा चर्चा में है, जहां सलमान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। वहीं सलमान के साथ बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को भी हाल में ही धमकी मिली है। इसी क्रम में अब दिग्गज अभिनेता और बंगाल में बीजेपी के सीनियर लीडर मिथुन चक्रवर्ती को भी धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि मिथुन को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने धमकी दी है और उनको 15 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है। ये भी कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको पछताना पड़ेगा। पाकिस्तानी डॉन के 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो मिथुन चक्रवर्ती के हालिया बयान पर धमकी दे रहा है। तो वैसे भी आप जिस एज में हो, इस एज में बंदा बकवास कर देता होता है, अपने मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज बोल देता होता है जब बाद में पछताना पड़ता है बंदे को कि यार मैंने क्या कर दिया। तो मैं वीडियोस पे ना किसी को धमकियां देता हूँ ना कुछ करता हूँ, मैं रियल लाइफ वाला बंदा हूँ, ये मूवीज वाले नहीं हूँ मैं, ये मूवीज में सारे काम होते हैं, ये आपकी मूवी नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है, ठीक है। और आप इतने बड़े बदमाश बन रहे हो ना स्टेज पे चढ़ के। रिपोर्ट के मुताबिक डॉन ने कहा है कि मिथुन साहब मेरी आपको सलाह है कि 10-15 दिनों में वीडियो जारी कर माफी मांग लो, यही बेहतर है और ऐसा करना बनता भी है। आपने दिल दुखाया है, आपको दूसरे मजहबों के लोगों ने जितना प्यार किया है उतनी इज्जत मुसलमानों ने भी दी है। इस उम्र में आपको बकवास नहीं करना चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है। दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में मिथुन चक्रवर्ती ने चुनावी सभा की। मिथुन चक्रवर्ती ने मंच पर चढ़ते ही माइक थाम लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अरे भाई तुम मुझे चश्मा खोलने की बात क्यों कहता है, लो मैंने चश्मा खोल दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती की आंख खराब है, अभी भी बिना चश्मे के मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखें अभी भी सुंदर हैं, इन आंखों को सबसे अधिक लड़कियां पसंद करती हैं। देखो वो महिला सिर हिलाकर मेरी बातों का समर्थन कर रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने विरोधियों से कहा कि अरे ये तुम मुझे राजनीति सिखाएगा, एक लात मारूंगा कुर्सी पर, सब राजनीति भूल जाएगा। उनका ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को 5 साल दीजिए फिर चमत्कार देखिए, बीजेपी जो कहती है वही करती है। घाटशिला से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जिताइए, वे आपकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। बीजेपी जीतती है तो घाटशिला दोबारा आकर समारोह करूंगा, कुछ फिल्मी डायलॉग भी बोलूंगा, खूब मौज मस्ती होगी।